तो बस उतर रहा हूँ। क्या बात है काका, आजकल बहुत पूजा पाठ कर रहे हो। अरे भाई, निराश आदमी और क्या कर सकता है। गौरी बिटिया का विवाह करना है और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे। धीरज रखो काका, भगवान सब भला करेंगे। हाँ भैया, अब तो भगवान का ही आसरा है। रमई काका, आप जानते हैं कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, ऐसे कामों में समय तो लगता ही है। हथेली पे सरसों तो जमती नहीं। कैसी अर्जुन, कौन सा खोट है मेरी बिटिया में? काका, खोट अपनी बिटिया में नहीं, खोट है हमारे इन रस्मों में। जहाँ भी जाओ बात लेन देन की पहले होती है। तुम तो मेरी हालत जानते ही हो, मेरी सारी पूंजी गौरी ही तो है। मैं सब समझता हूँ काका, गौरी कहाँ है? चल भाई लड्डू राम, हाँ दो, चलो दो, चलो चलो दो तो बढ़ाओ, दो चलो। ए लड्डू राम, ये चुम्बन भाई का है? वो देखो जो मन में है। देख रहा हूँ देख रहा हूँ, ले पकड़ो मेरा हुक्का। फिर मेरी भैंस खोल के ले आई, ये कमबख्त पता नहीं क्या करती रहती है। दीदी दीदी, हाँ चुम्बन जा। अरे बाप रे, ए गौरी की बच्ची, तुझे शर्म नहीं आती है? जब देखो उल्टा सीधा काम करती रहती है हैं? तू बाज नहीं आएगी, फिर मेरी भैंस खोल के ले आई। सदा सुखी रहो सुखी रहो। अरे तेरे होते हुए मैं सुखी रह सकता हूँ? सुखी तो मैं तब होऊंगा जब तू गांव छोड़ के दफा हो जाएगी। चल उतर नीचे उतर। अरे बाप रे, उतर, छोड़ो ना भैया, संभाल अपनी बेटी को। अरे आओ आओ जुम्मन भैया, आओ बैठो बैठो। अरे भैया, ये तो मेरी दुर्गा है, मेरी गौरी है, मेरी किस्मत है। अरे किस्मत होगी तुम्हारी, मेरे लिए तो बदकिस्मती है। जैसी एक खटाई की बूंद मटकी भर दूध का सत्यानाश कर देती है, ऐसे ही इसने सारे गांव के बच्चों का बेड़ा गर्क कर रखा है। पर जुम्मन मियां, आखिर उसने किया क्या? अरे ये पूछ क्या नहीं किया। अरे सरजू के बाग में कबड्डी खेल रही थी ये, डमरू की बकरी खोलकर बिरजू के घर में बांध आई, और उसके बाद मेरी भैंस खोलकर उस पर सवारी कर रही थी। अरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। चुम्बन मियां, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे बेटी, भैंस पे सवारी नहीं होती, घोड़े पे होती है। बापू, घोड़ा तो पहले यूं तो लत्ती मारता है और फिर यूं भागता है। निकल डाल। कोशिश तो कर रहा हूँ भैया, लेकिन शादी विवाह तो भाग्य की बात। क्या बात है रे दीदी? आम आम, चलो जल्दी चलो जल्दी। अरे आम, चल चले। ए हरिया, ये ले। अरे तू भी ले। अरे राजू, तू कहाँ है? ये ले। दीदी जुम्मन जी, भागो भागो। इस बार फसल बहुत ही बढ़िया हुई है, बहुत अच्छी। देखिए एक एक दाना कैसा खिला हुआ है। अरे हाँ। देखता हूँ मैं। ए चोटी चुड़ैल, तू फिरा मरी यहाँ, उतर नीचे। अरे उतरती है कि देऊँ एक? अरे अरे जुम्मन चाचा, आम का जवाब पत्थर से। लो लो, आप भी खाओ। ए फालिश भर की छोकरी और गल भर की जुबान, अरे तुझसे 1000 बार कहा है कि हमारे खेत में मत आया कर। आम तोड़ने? अरे चाचा, आम ही तो तोड़े। छोड़ो, माफ कर दो, जाने दो। माफ कर दूं? हाँ। चल यहाँ से, चल। देखा छोटे बाबू, देखा ये छोकरी है कि बंदरिया है? बंदरिया? हाँ बंदरिया। अपना तो वो हाल है सांप और छछूंदर वाला, ना खाते बने ना छोड़ते बने। लेकिन चचा ये है कौन? अरे वो अपना रमैया है ना, भले मानस। हाँ? उनकी जनी है, उनकी जनी। माँ तो गई मर। सुना ये सारा दिन गाँव के चक्कर काटती है, जंगली बकरी की तरह कभी यहाँ मुँह मारती है, कभी वहाँ मुँह मारती है, कभी यहाँ मुँह मारती। चचा हाँ। देखते देखते तो इतनी बड़ी हो गई। हाँ, हाँ, बरखुरदार 5 साल के बाद आए हो तुम। अगर ये बड़ी ना होती तो क्या जमीन में घुस जाती? और माशाअल्लाह तुम भी तो गबरू जवान हो गए हो जी। अरे ये देख के शेर याद आ गया। इरशाद कितनी तेजी से बदलता है ये जमाना। जुम्मन मियाँ यही सोच के वक्त घर पर सुनते, आइए घर पर सुनते, चलिए। बिरजू भैया अब काफी पी चुके, पैसा दो और घर जाओ। साले थूकनी के बिरजू से पैसा मांगता। अरे मेरी जान खाओ, अरे गोरी तोरे नैना काजर बिन करे, गोरी तोरे नैना। अरे बाजा गोरी तोरे नैना काजर बिन करे, गोरी तोर नैना काजर बिन का। अरे गोरी तोर नैना काजर बिन। अरे जान, ए जान मेरी, ऐसा भी क्या चलूंगा? पर्ची चलाई और चल दी। हाथ छोड़ दे। नहीं छोड़, छोड़ता है कि नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अरे मक्खन जैसा हाथ तूने पत्थर पे दे मारा। छोड़ मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़। दीदी लड़की देके हाथ लगाता है, मुझे हाथ लगा के देख, साला सारा नशा तोड़ दूंगी। चल फट फट यहाँ से, चल सलमा। चल आजा। तू भी चल। हाँ ऐसे। अरे बाप रे लंगड़ा आ गया। चलो चलो भागे। है। चलो पैर पीछे हटाओ और पीछे और नहीं लगी। अच्छा जा गोटी लेकर आ। अरे दीदी यहाँ तो एक भी गोटी नहीं है, एक भी गोटी नहीं है, यही तो फेंकी थी। अरे इधर तो सचमुच गोटी नहीं है। ए बिरजू गोटी निकाल। गोटियाँ तो सब टूट गई। अरे मैं कच्ची गोटी नहीं खेलती, चल गोटी निकाल। सॉरी हम भी खेलेंगे। बच्चे जैसे बोलने से बच्चा बन जाएगा क्या? मुछंदड़ कहीं का। अरे पगली, इसी के पीछे तो अपना बचपन छुपाए बैठा हूँ। गोरी तोर नैना काजर बिन तारे। तू भी बच्चा मैं भी बच्ची, बच्चा बच्ची खेलेंगे, हम भी गोती खेलेंगे। ए बाबू देखो, हमें ये गोटी नहीं खेलने देता। आ गया दाल भात में कच्चा बैंगन। गोरी तोर न। उठो उठो। तुम्हारे खेलने के दिन गए, जाओ घर जाओ और अपना काम करो, जाओ जाओ। धन्नू, अरे धन्नू जा जल्दी। जी आया माँ जी। रमैया की दुकान पर जाकर भोग का सामान सब लेकर जल्दी आ। हाँ जा जल्दी। नो, तुम ऐसा करो, इन भैंसों की रखवाली करो, नहीं तो भूखी मर जाएंगी। मैं जाके सामान ले आता हूँ। हाँ जाओ। ला ला ला। छोटे बाबू एक दिन अपनी छुट्टी करवा के छोड़ेंगे। हमें भी अगर इसी तरह उठाओ तो हम तो 1000 बार गिरे। सच्ची दिन भर गिरते ही रहे। गोरी सोरेन अरे अरे छोड़ छोड़ ना गोरी। कोबर गणेश समझती थी, तुम तो बड़े बहादुर निकले। हाथ मिलाओ। हमारी रानी बिटिया बहुत खुश है। क्या बात है बापू? आज बहुत ही मजा आया। वो किशन बाबू है ना, उन्होंने बिरजू को ऐसा मारा कि उसका कुछ उम्र ही निकाल दिया। अरे किशन ने बिरजू को मारा, इसमें तू क्यों इतनी खुश है? वो क्या है बापू, जब किसी गुंडे को मार पिटती है ना तो मुझे बहुत मजा आता है। अच्छी बात है, पगली कहीं की। चल चल चल, खाना तो खिला दे। चल गौरी बिटिया जल्दी आ, बहुत भूख लगी है। आई बापू। हाँ। लो बापू, मैं जरा सलमा के घर हो आऊं क्या? लेकिन जल्दी वापस आ जाना। अच्छा बापू, अभी आई। अरे अरे, अरे मेरे प्यारे बापू, जल्दी आना। क्या लड़की है। गौरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। कहो। क्या करूँ? कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, मगर सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। तो ऐसा करो बाबू, तुम सोचो, मैं तो चली। गौरी। ओफो बाबू, बोलो क्या है? गौरी, मैं पूछ रहा था कि हमारे गांव में मोर कब नाचते हैं? अरे बाबू, गांव में मोर है कहाँ? हमारे गांव में मोर ही नहीं है। तो कोयल तो होगी। कोयल तो है। गौरी, ये मौसम कितना अच्छा है ना। मौसम। तुम्हारे बापू कैसे हैं? बापू वो भी अच्छे हैं। गौरी, तुम्हारे दिल में कुछ होता है? देखो बाबू, तुम जो कह रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो, तुम अच्छी तरह सोच लो। जब सोच लोगे तो मैं आ जाऊंगी। अब मैं चली। हाँ? आज भी मारे गए। अरे मैं यहाँ हूँ, इधर बैठी है। क्या बात है गौरी, इतनी घबराई हुई हो? अरे चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बोल, क्या बात करनी है? वो आज रास्ते में ना किशन बाबू मिल गए थे। ओहो, तो किशन बाबू मिल गए थे। क्या बोल रहे थे? पता नहीं क्या बात करना चाहते थे। मैं बताती हूँ क्या बात करना चाह रहे थे। वो कह रही होंगी, गौरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मेरी रातों का चैन, दिन की नींद उड़ा ली है। ओफो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। ऐसा नहीं कह रहे थे? नहीं। तो क्या कह रहे थे? वो तो कभी मोर, कभी कोयल और कभी मौसम की बात कर रहे थे। फिर पूछने लगे, तुम्हारे बापू कैसे हैं? तुम ये बताओ ना, इन सब का क्या मतलब हुआ? इश्क पर जिसकी इनायत हो गई, होश गायब और अक्ल रुखसत हो गई। अरे ये शायरी चाचा को सुनाना, मुझसे तो सीधी सीधी बात कर। अरे पगली, वो अपने दिल की बात कहना चाह रहे होंगे जो घबराहट में कह नहीं पाए। दिल की बात? अच्छा मैं चलती हूँ, बापू राह देखते होंगे। हाँ। अरे वो लाखन भैया, अरे मिल के नहीं जाओगे क्या? अरे काका, आप चिंता मत करो, कोई अच्छा रिश्ता मिलते ही मैं फौरन आपको बताऊंगा। बस आप परेशान मत हो, आप चिंता मत करो, मैं आऊंगा। राम राम। लेरी लो चाचा। पर मैं तुम्हारी राह देखूंगा, होगी ना? भले छोरे यहाँ क्या कर रहा है? अरे यहाँ बहुत से प्रेमियों ने जान दी है। चल घर जा। जी माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर जाइए और घर जाके आराम करिए। सच कह रही हूँ छोरे, तेरी शक्ल बता रही है कि तू उदास निराश प्रेमी है और हार कर यहाँ मौत का रास्ता देख रहा है। मौत का रास्ता देखे मेरे दुश्मन, जा घर चली जा, जाके सो जा। अरे मैं क्यों जाऊं? मेरी जवानी तो ऐसी जगह आई थी। अरे बुढ़ापे में जवानी के दिन याद करने मैं यहाँ चली आती हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी जवानी को बैठकर याद करो, मैं तो चला। हाँ? अरे मेरी जान, तुम कहाँ हो? अरे मैं यहाँ, तुम कहाँ? अरे मेरी देखो देखो, तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे मुंह पे झुर्रियाँ पड़ गई है। देखो झुर्रियाँ, मेरे बाल सफेद हो गए। अरे आजा आजा मेरी जान, आजा। चल हट बुढ़े, जवानी बेच खाई है क्या? बालों पे सफेदी आ गई, फिर भी हरकतें नहीं आएंगी। अरे ये जवानी तो मैंने तुम्हारे हाथों बेची थी। हाँ, और ये बालों का कालापन, इनको तुम्हारी आंखों में काजल बनाकर लगा दिया था। हाँ, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? जवानी का तकाजा बुढ़ापे में पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो जवानी की उन वादों का क्या हुआ? हाँ, वादे? कौन से वादे? कैसे वादे? वही मोतियों की झालर वाला हार। हाँ? और रेशम की कढ़ाई वाला घाघरा। हाँ, उसके बाद प्यार प्यार प्यार। अरे गौरी, तू कहाँ? अरे गौरी आजा। की झालर क्या है, तार तोड़ दूं तेरे आचरवा में, रेशम वाले धागे जोड़ दूं। पहले प्यार 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 मोहे प्यार दे, ओए पहले प्यार 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 मोहे प्यार दे। किसी से ब्याह रचाऊं, मैं तेरी साखन मैं घर लाऊं, फिर ना पछताना। बेटी की शरारतों की आज हद हो गई। आज क्या किया मेरी बेटी ने? क्या किया है तेरी बेटी ने? आज रात जब हम सो रहे थे तो इसने हम सब लोगों के पांव में रस्सी बांधकर हमारी खाटों के नीचे फड़ा के छोड़कर हमें परेशान कर दिया। रमैया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हाथ छोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूं। अब गौरी ऐसा कभी नहीं करेगी, माफ करो। और अगर करेगी तो हम सब देख लेंगे। चलो भाइयों, चलो चलो चलो, चलो, चलो। बाबा, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाना चाहता हूँ। तेरी माँ होती तो कब कब मर गया होता। सिर्फ तेरे लिए जी रहा हूँ, लेकिन तू मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी। ऐसा मैंने क्या किया है बापू? तेरी शैतानियों पर रोज ताने सुनता हूँ। गांव का हर आदमी मुझे गालियां देता है। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बापू, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुझे प्यार नहीं करते। प्यार न होता तो कलेजे में छुरी घोंप कर मर जाता, लेकिन वहां छुरी कैसे घोंप? और तो तू है बेटी, तेरा प्यार है, इसलिए सर फोड़ कर मर जाना चाहता हूँ। बापू, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेटी, आराम कर लो। चलो बेटी। हे भगवान, थे ना? कहने को बहुत कुछ होता है ना, तो कुछ कहा नहीं जाता। वैसे मैं अपने प्यार के बारे में कह रहा था। ये प्यार क्या होता है बाबू? प्यार प्यार एक अपराध है और एक गुनाह है। अगर प्यार एक अपराध है तो फिर उसकी सजा भी होगी। है, जरूर है। प्यार की सजा है शादी। तो दिल कांप उठता है। क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बाबू, जंगल के फूल और छो के गरीब का भाग एक सा होता है। जंगल के फूल को कभी भी मंदिर की मूर्ति नहीं मिलती और झोपड़ी का गरीब हवेली को तरसा है। ये सब पुरानी बातें गौरी, मैं तो इतना जानता हूँ कि प्यार सात पात ऊंच नीच के बंधन से नहीं बांधा जाता। प्यार तो दो दिलों का समझौता है जहाँ दुनिया की बनावटी रस्में बीमारी हो जाती है। जानती हूँ बाबू, लेकिन दुनिया में रहकर दुनिया से बैर तो नहीं किया जा सकता। दुनिया की बातें मुझ पे छोड़ दो, मैं दुनिया का साथ करूंगा। बाबू गौरी, तू अरे मैं तेरा इंतजार करके करके पागल हो गया। अपनी हालत देख रही है, कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए। मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि उसके साथ मत जाया कर। अब्बा जान, वो बिरजू है ना, बिरजू। बिरजू क्या किया उसने? उसने मुझे आज अकेला पाकर क्या मेरी इज्जत पर हाथ डाला। बिरजू ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला? उस हरामजादे की ये मचाल! अरे मैं उस कुत्ते के बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस हरामजादे को। हट जा मेरे रास्ते से। अब ये क्या कर रहे चाचा? मैं उस हरामजादे की जान ले लूंगा। छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। अगर आज गौरी वक्त पर न पहुंचती और बिरजू को लाठियों से नहीं मारती तो आज मेरी बजाय आपको मेरी लाश मिलती। चाचा, सलमा मेरी सहेली ही नहीं मेरी बहन भी है। आज मैंने जो कुछ किया उसके लिए नहीं अपने लिए किया। आप शांत हो जाइए, बात आगे बढ़ेगी तो सलमा की इज्जत को आ जाएगी। गौरी, बेटे मैं तुझे प्यार समझा था और तू क्या निकली। मुझसे जो गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना। आज तूने सलमा की इज्जत बचाकर सारे गांव की इज्जत बचा ली। आज से मेरे लिए एक बेटी नहीं दो बेटियां हैं, दो बेटियां, मेरी दो बेटियां हैं। कोई देख ले तो देख लेंगे तो अच्छा है। पिताजी तक बात पहुंचेगी, वो खुद ही बात शुरू करेंगे। तुम बहुत चालाक हो गौरी। प्रेम समझदारों की चीज है, बेवकूफ प्रेम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम मेरे लिए क्यों जोखिम उठाना चाहते हो? खुद भी नहीं जानता। सच बात है गौरी कि तुम्हारे सामने मैं कहीं इतना कमजोर हो जाता हूँ कि मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। और अगर अपने पिताजी के सामने कमजोर पड़ गए तो? वैसे तो मेरे पिताजी बहुत ही सख्त आदमी हैं, मगर मैं उन्हें अपने मुंह से जीत लूंगा। और कहीं तुम उनके मुंह के सामने हार गए तो? नहीं गौरी, ऐसा नहीं होगा। ये रही मोतियों की माला, समुद्र की गहराई से निकली हुई मोती तुम्हें मेरे दिल की गहराई का हाल सुनाया करेंगे। हाँ गौरी, सच कह रहा हूं गौरी, मेरा विश्वास करो। मैं ये वादा करता हूं गौरी। दरवाजा खोल। नमस्ते चौधरी साहब, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। कहिए, कुशल तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। विराजिए, बताता हूँ, बैठिए। कहिए क्या हुक्म है? अरे धन्नो, किशन की माँ से कहो ठाकुर साहब तशरीफ लाए हैं। मैंने जो आज अपनी आंखों से देखा है, क्या वो सच है? क्या देखा है आपने? चौधरी साहब, मैंने आपके लड़के को एक लड़की के साथ मोहब्बत करते हुए देखा है। और कोई शिकायत करता तो शायद मैं यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर तो यकीन है। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको एतबार के काबिल समझा। लेकिन ठाकुर साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर क्या है? आपको याद है कर्जा लेते वक्त आपने वादा किया था कि आप अपने लड़के की शादी मेरी लड़की से करेंगे। कहाँ गया वो वादा? ठाकुर साहब, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूँगा। चौधरी साहब, 24 घंटे के अंदर किशन की बारात मेरे दरवाजे पर आ जानी चाहिए, नहीं तो आपको यह हवेली खाली करनी पड़ेगी। क्यों? पिताजी, ये कौन थे और क्यों आए थे? अरे माँ, ये कौन थे? पहले तू ये बता कि अमराई में किसके साथ था? आज मैं उसी के बारे में बताना आया हूँ माँ। तो तुम्हारे साथ एक लड़की थी, ये सच है? कौन थी वो? बोलता क्यों नहीं, कौन थी वो? आपकी होने वाली बहू। मेरी बहू? जी। किसकी बेटी है वो? बोलता क्यों नहीं? वो रमैया काका की बेटी गौरी। नहीं बेटा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमारी बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसलिए क्यों? गरीब घर की बेटी है या फिर उसमें कोई कमी है? ये बात नहीं है बेटा, लेकिन 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 क्या? मैं उसे वचन दे चुका हूँ पिताजी। वचन तो मैं भी दे चुका हूँ बेटे। तूने तो वचन दिया है आज, मगर 10 साल पहले मैं जो वचन दे चुका हूँ उसका क्या होगा? मैंने ठाकुर रंजीत सिंह की बेटी को बहू बनाने का फैसला उस वक्त किया था जब मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। लेकिन पिताजी, आज तक आपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। फिर मुझे क्यों दोष दे रहे हैं पिताजी? अगर आपके इस वचन का मुझे कुछ पता होता तो शायद मैं इतना आगे न बढ़ता। मैंने वही किया जो आज तक होता आया है। बेटे, तुम खानदान की मर्यादा तोड़ सकते हो, मैं नहीं। मैं अपना वचन निभाऊंगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। आपकी जिद से दो जिंदगियां मिट्टी में मिल जाएंगी और तुम्हारी जिद से हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह हवेली, जमीन, बाग बगीचा सब गिरवी रख के मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए ठाकुर रंजीत सिंह से कर्ज लिया था और उन्हें वचन दिया था कि तुम्हारी शादी उनकी बेटी से करूंगा, तभी वो मुझे इस कर्ज से मुक्त करेंगे। बोलो, क्या फैसला किया है? ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जिद ही पूरी करनी है तो हम भी यह हवेली छोड़ देते हैं। हमें भी रमैया की झोपड़ी के साथ एक झोपड़ी बनवा दो, जिंदगी के बाकी दिन हम भी वहीं बसर कर देंगे। बुढ़ापे में इतना दुख मत दे बेटा। तुम कुछ मत कहो किशन की माँ, समझदार लड़का है, पढ़ा लिखा है, फैसला इसी पे छोड़ दो। नमस्ते रमैया काका। नमस्ते। अरे किशन भैया, कैसे आए? रमैया काका, वो गौरी कहाँ पर होगी? अरे भाई, उसके पैर में तो सनीचर है, घर में कहाँ रहती है, कहीं गई होगी। अच्छा रमैया काका, मैं चलता हूँ। बिरजू, ओ बिरजू, तू यहां से चली जा गौरी, भगवान के लिए यहां से चली जा। मैं कहता हूं गौरी चली जा यहां से। देख मत आ मेरे पास। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अगर आज ही नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता, किसी के हाथ कहला दिया होता। गौरी, मैं किस मुंह से खबर भिजवाता, किसे खबर भेजता? तू तो जानती है इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। क्यों? कोई क्यों नहीं, मैं जो हूं। गौरी, मैं चंडाल हूं, मैं पापी हूं गौरी, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बहन भी है। अरे तू लड़कियों की तरह आंसू क्यों बहा रहा है? अगर मेरा भाई है तो दूसरों के आंसू पोंछना सीख। हाँ गौरी, आज के बाद मैं वही करूंगा जो तू चाहती। अच्छा बिरजू भैया, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, फिर आऊंगी। हाँ, और राजू के हाथ खाना भेज दूंगी। छोटे बाबू, हाँ? कमाल करते हैं आप। अरे मैं गली गली आपको ढूंढता फिरा और आप यहाँ तशरीफ फरमा है। आपके वालिद साहब बड़े बेचैनी से घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं। उनका हुक्म है कि जहां भी हो जल्दी से घर ले आओ। चले चले तो तशरीफ ले चलिए, जल्दी आइए। अरे गौरी बिटिया, आई बापू। क्या है बापू? अरे बिटिया देख तो, गांव में किसकी बारात आ रही है? बारात? गांव में बारात? ओ बापू बारात, मैं जाती हूँ बापू, तुम दुकान संभालना। अरे संभाल के जा बेटा। पगली कहीं की। अरे गांव में बारात और हमें ही मालूम नहीं। अरे लो। वाले हो दुल्हे राजा, अरे जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। मैं जानबूझकर तुझे आग में नहीं धकेल सकता। पापू गरीब हूँ लेकिन इतना लाचार नहीं कि तुझे दो रोटी नहीं खिला सकूं बेटा। पूजा बेटा बेटा आप बिल्कुल मत घबराइए बापू, सब ठीक हो जाएगा। आकन भैया आप लड़के वालों से कह दीजिए मैं ये शादी करूंगी। गौरी, ओ गौरी क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं, अपनी शादी का फैसला तो तूने खुद ही किया था, अब क्यों पछता रही है? एक जहर ही तो दूसरे जहर को मारता है। अपने फैसले से ही तो तूने अपनी जिंदगी में जहर खोला है। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला तेरी मदद करे। गौरी बिटिया मैं बाहर जाकर आता हूँ। अच्छा बापू। गौरी मैं भी चलती हूँ, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। ये रही मोतियों की माला, समुद्र की गहराई से निकली ये मोती तुम्हें मेरे दिल की गहराई का हाल सुनाया करेंगे। सच कह रहा हूं गौरी, मेरा विश्वास करो, मैं ये वादा करता हूं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर हम उससे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं। आखिर कौन सा कसूर किया है मैंने। कसूर न तुम्हारा है न मेरा। भाग्य के आगे हम दोनों हारे हुए हैं, समझी। लेकिन सुनिए, जीतने की कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने के लिए जो हौसला चाहिए वो अब मुझ में नहीं रहा। उस बीते हुए कल ने मुझे निकम्मा बना दिया है। मगर उस बीते हुए कल को लेकर आप मेरा आने वाले कल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं। उस बीते हुए कल को कब तक सीने से लगाए रहेंगे। उस बीते हुए कल के नीचे मेरे अरमानों की लाश दबी हुई है। इंदु, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे अपने दिल से है जो मुझे हर वक्त धिक्कारता रहता है, कोसता रहता है। जब मन एक का हो और तन दूसरे का तो जिंदगी बोझ बन जाती है। लेकिन बोझ बांटने से कम हो जाता है। गौरी बेटे, आज इस गांव से तू विदा हो जाएगी। तेरे जाने के बाद मेरे बाप के आम कौन चुराया करेगा। मेरी भैंस का दूध चुरा के बच्चों में कौन बांटा करेगा। सारा गांव सुनसान हो जाएगा। सुन बेटी, तेरे गरीब चाचा के पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। एक मेरा छोटा सा नजराना कबूल कर ले। मेरी भैंस अपने साथ ले जा, इसका दूध जमाई राजा को पिलाया करना। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएगा। बेटे, अपने चाचा को भूलना नहीं, कभी कभी याद करती रहना। याद करती रहना बेटे, भूलना नहीं। अरे भैया धर्म, मेहमानों को शरबत वगैरह दो। भैया काका, गौरी बहन की शादी बहुत बहुत मुबारक। आभार बीरजू भैया। अच्छा गौरी बहन कहाँ है? यहाँ। तुम लोग दुल्हन को नजर। गौरी बहन, शादी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा ये तो बता कि जीजा जी को कहाँ छुपा रखा है। हाँ बोलती क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं हम। नमस्ते जीजा जी, हमारा नाम गौरी बहन। गौरी, ये तूने क्या कर दिया। एक अपाहिज को अपनी जिंदगी सौंप दी। यही मेरे भाग में था। लेकिन तूने मुझसे कहा तो होता, मुझे एक बार बताया तो होता। तेरा भाई बिरजू तेरे लिए क्या नहीं कर सकता था। अरे भाई हिम्मत से काम लो, लड़कियां तो पराया धन होती हैं। आज तुम्हारी गौरी ससुराल गई है, कल मेरी सलमा चली जाएगी, उसके बाद हम दोनों अकेले रह जाएंगे। अरे भाई ये तो दुनिया का रिवाज है। बस अल्लाह के दरबार में दुआ मांगो कि वो जहां भी जाएं, जहां भी रहें, अपने घर में सुखी रहें। वालदेन के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। अच्छा भैया मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। आदब से। बाबू खाना लाओ। नहीं बेटा नहीं, नहीं नहीं बेटा नहीं। अब मुझे कौन खाना खिलाएगा? अकेला ही रह गया बेटी, अकेला रह गया। जिंदगी की शुरुआत है और आपकी आंख में आंसू। रोते वो लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। आप तो मेरा सहारा है। आज से अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दीजिए। अपने मन की बात छिपाकर अंधेरे में इस तरह बैठते हैं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं खाया, लीजिए खाना खा लीजिए। डसती रहती हैं और मैं पागल हो जाता हूं। मेरी कुछ समझ में ही आता ही नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कुछ समझ नहीं आता। अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आज नाश्ता करने को जी नहीं कर रहा, ले जाओ इसे। कृष्ण, इधर आओ बेटे। जी पिताजी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कल रात बहू के सामने थाली फेंककर कौन सा गुस्सा उतार रहे थे? तुम भूल रहे हो बरखुरदार, तुम्हारी इन हरकतों से घर की थाली में भी छेद हो सकता है। बेटे, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तू शांत रह और सुन, बहू को खुश रखने की कोशिश कर। और कोई खुश हो चाहे ना हो, आप तो खुश है ना? खुश क्यों नहीं होंगे हम? ऐसी कौन सी कमी है इंदु में? सुंदर है, समझदार है, अच्छे खानदान की लड़की है। शादी से पहले आपने सिर्फ उसका खानदान देखा था, वो खानदान जिसके नीचे आपकी हवेली दबी थी। बेटे, तुम्हारी झुंझलाहट का सबब वो खानदान नहीं, बल्कि उस खानदान की एक लड़की है जो अब तुम्हारी पत्नी है। एक पत्नी को देखने और समझने का एक खास नजरिया होता है। वो नजरिया मेरे पास नहीं है। तू कोशिश कर बेटे, अपनी पुरानी गलतियां छुपाने के लिए नई गलतियां करना बेवकूफी है। किशन की मां, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी? रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठे, मैं घर भर में आपको ढूंढ रही हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। इतनी से बहू रानी? हाँ, तैयार हो गया। सोम काका। जी बहू रानी। आप क्या कर रहे हैं? गाय को चारा डालने जा रहा हूँ। अच्छा, चारा बाद में डालिए, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, बहू रानी वही जो सबके मन भाए और मुझे सुबह सुबह नाश्ता कराए। अच्छा चलिए नाश्ता कर लीजिए। चंपा बहन। अरे बहू रानी, तुम क्या कर रही हो? कपड़े धोने जाती हूँ। अच्छा, कपड़े बाद में धोना, चलो नाश्ता कर लो। अच्छा बहू रानी। बहू रानी। जी माँ जी। राम ने नाश्ता कर लिया? हाँ, उन्होंने तो कभी का कर लिया। चलिए आप नाश्ता कीजिए, मैं पूजा करके आती हूँ। अच्छा। मेरे घर तो लक्ष्मी आई है। बहू जी आप उठिए, मैं बर्तन मांजती हूँ। तुम जाओ, मैं कर लूँगी। अच्छा। बहू रानी, माँ जी बुला रही है। आई माँ जी। पंडित जी, आप चाहे इसे हमारे पूर्व जन्म का पुण्य कहें या इस जन्म का पूजा पाठ, मैं तो ये कहूंगी कि हमारा सौभाग्य है जो हमें गौरी जैसी बहू मिली। हाँ माँ जी, ये तो है ही, लेकिन मैंने भी तो इस घर का हवन पूजा बड़े भक्ति भाव से किया है। ये सब उसी का फल तो है ना माँ जी? कारण कुछ भी हो पंडित जी, मैं तो गौरी जैसी बहू पाकर बस निहाल हो गई। भगवान सबको ऐसी बहू दे। राम राम राम। राम राम माँ जी। आ गए सोम प्रकाश जी, पधारिए। सुबह के गए हुए अब पहुँचे हैं, कहिए। माँ जी, आज तो मेरी पूरी तरह से घंटी बज गई। कौन सी नई बात है? आज कौन सा मार का मारा? गांव से शहर जाने में मुझे खाने पड़े बैलगाड़ी के धक्के, सामान खरीदने के लिए खाने पड़े हर दुकान पे धक्के। अच्छा, लेकिन सामान पूरा खरीद कर लाया हूँ। चल दिखा, निकाल। देखिए देखिए राम भैया का सामान किधर गया। सत्यानाश, मंगवाई थी धोती और तू लेकर आया है टोपी। ले, मंगवाई थी शेविंग क्रीम और तू लाया है डेंटल क्रीम। जितना अकलमंद तेरा बाप ओम प्रकाश था, तो उतना ही बेवकूफ है। तू कभी नहीं सुधरेगा। पिताजी भी यही कहते थे, अबे उल्लू के पट्टे, सारा हिंदुस्तान सुधर सकता है, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। और जानती हूँ मैं क्या कहता था? पिताजी, चाहे गधे को जितना मर्जी साबुन लगा लो, वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। अब मेरा सर मत खा। न जाने क्या बकवास सामान लेकर आया है, जा अंदर आकर रख दे। बेवकूफ कहीं का। जी, मुझसे कुछ कहा? बात बताऊं, 10 साल तक मेरे बाबा भी बिल्कुल नहीं चल सकते थे, लेकिन अपनी हिम्मत से और मेरी दादी माँ की सेवा से वो धीरे धीरे चलने लगे और एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं जानती हूँ अगर आप कोशिश करें तो आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप कोशिश क्यों नहीं करते? हो जाइए। मन जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के है, जल्दी ये तन के है, बल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? आई डार्लिंग स्वीट हार्ट, आज मैंने पिक्चर देखी है, बैंक कैश। आज से मेरा नाम सोम प्रकाश नहीं, सोम आनंद है, सोम आनंद। ये टोपी पहन के बिल्कुल बंदर जैसे दिख रहे हो, निकालो इसे। माय डार्लिंग स्वीट हार्ट, तुम कुछ भी निकाल सकती हो, लेकिन तुम कभी मुझे अपने दिल से मत निकालना। शांति, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शांति, अगर तुम कहो तो मैं दुनिया की हर चीज से टकरा सकता हूँ, तुम्हारी माँ क्रांति से टकरा सकता हूँ, लेकिन एक बात तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शांति, शांति। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये हमेशा ऐसे ही मौके पर मेरी घंटी बज जाती है। इतना सब हो गया, किसी को बुलाया तक नहीं। माँ जी, हल्ला करने से तो साहब गुस्से में आ जाता। आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। शरीर से तो लाचार है, फिर भी कल रात इन्होंने मेरी जान बचाई। तू भी तो उसके लिए इतना कुछ करती है। तूने तो। माँ जी, एक बात पूछूं? ये सब हुआ कैसे? बहू, मेरा राम गांव का सबसे होशियार लड़का था, लेकिन एक दिन कबड्डी 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 कबड्डी। दादा बनने वाले हैं। तुम भी तो दादी बनने वाली हो। क्या बात है, बड़ी सुंदर दिख रही हो। चलो इधर तो आओ ना। जो कुछ भी मुझसे कहना हो आप इस स्लेट पर लिख दीजिए। इस तरह आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकेंगे। अच्छा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, लीजिए इसको, पकड़िए। ऐसे नहीं, ऐसे। लाइए हाथ, लाइए। लिखिए, क्या लिखेंगे आप? लिखिए। हाँ हाँ, ऐसे। शाबाश, वाह, बहुत अच्छी। लगता है सोम प्रकाश जी आज आप फिर किसी घंटी से टकरा गए। अरे एक नहीं, चार घंटियों से टकरा गया हूँ। वो कैसे? तब से राम भैया की शादी हुई है, मेरा मन शादी करने के लिए उछल रहा है, इसलिए जगह जगह कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा गलत घंटी से ही टकरा जाता हूँ। बाहर की घंटियों से टकराओगे तो यही होगा ना। हाय, तुमने कभी उस घर की घंटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। किसके दिल में न जाने कब से तुम्हारी प्यार की घंटी बज रही है। सच? बिल्कुल सच। सोमू, शांति, तू नहीं जानती ये बात बताकर तूने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। अब तेरे मेरे प्यार की घंटी पूरा गांव सुनेगा, उसका शोर इतना जबरदस्त होगा। रोटी कपड़ा और मकान की राम भाई के होते हुए कोई चिंता ही नहीं। हम अपना हनीमून मनाने पूरा पश्चिम सब तरफ जाएंगे। मेरे राजा, जमीन पर आजा। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो जानते हो किससे मिलना होगा। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ शांति। मुझे तुम्हारी माँ क्रांति से मिलना होगा, जो कभी किसी का कहना नहीं मानती। जानते हो मेरे बापू क्या कहा करते थे? क्या कहा करते थे? अबे ओ सोम प्रकाश, सारी दुनिया सीधी हो सकती है, लेकिन कुतिया की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या? मेरी माँ को कुतिया कहते हो? अरे कैसे कह सकता हूँ, दुनिया की सब कुतिया ऐतराज नहीं उठा देंगी। हमारा बच्चा पेट में ही मर गया। मेरी जिंदगी का भी क्या भरोसा। नहीं हिंदू, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो हिंदू। ये अकेलापन मुझे तबाह कर देगा। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तुम्हें मेरे खातिर जीना होगा। हाँ हिंदू, मेरे खातिर। देखो मुझे छोड़कर मत जाओ। जीना चाहती हूँ मैं। मुझे भगवान पर विश्वास रखो। देखो हिंदू, हिंदू नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझसे तो किशन की हालत देखी नहीं जाती। आप ही उसे समझाइए ना। मैं हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। हमारी एक छोटी सी भूल ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहू इतनी जल्दी साथ छोड़ देगी, ये किसने सोचा था। मैंने तो कई बड़े बड़े सहाने सपने देखे थे। किशन की माँ, सपने सच्चे किस्मत वालों के होते हैं। हम तो बड़े बदकिस्मत हैं। बड़े 500 लायक बाप के नालायक बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? बात यह है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बको ना। बात यह है। अरे बोलो ना। बात यह है, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ सारी जिंदगी के लिए थामना चाहता हूँ। तो आओ मेरे साथ पंजा लड़ाओ। तुम्हारे साथ पंजा लड़ाओ? हाँ। अरे शादी मैंने तुमसे करनी है या तुम्हारी बेटी से? देखो मेरी लड़की छोटी है, उसकी समझदारी छोटी है, इसके दिमाग में ये बात नहीं आ सकती। मैं मानता हूँ इसकी समझदारी छोटी है, लेकिन तुम्हारी समझदारी तो इतनी मोटी है कि उसमें कोई अकल की बात घुस ही नहीं सकती। अगर मेरी बच्ची के साथ तुझे शादी करनी है ना, तो आजा मेरे साथ पंजा लड़ा। पंजा लड़ाना ही पड़ेगा। चल आजा, मैं शादी करनी है तो पंजा लड़ाना ही पड़ेगा। मुझे गुस्सा नहीं होना। चलो बजरंगबली, चलो बेटा सोना, पंजा लड़ाओ। अरे बड़ा पंजा लड़ाने वाला, चल बे खुद यहाँ से। अब क्या करूं? सुनो, मूर्ति के पीछे तेल रखा है, हाथ में लगा लो। माँ इसे एक बार, सिर्फ एक बार मौका और दे दो ना। बेटी तू कहती है तो इसे एक बार मौका दे देती हूँ। हाँ। चल आजा मैदान में फिर से एक बार। हाँ चल एक बार। हाँ क्या? फट बजरंगबली। अभी आने दो उसको, पंजा लड़ाता हूँ। क्रांति। अबे बम काहे को मारता है? लड़ाई की मुझसे पंजा? अरे आजा मैदान में, आजा लड़ा ले। आजा देखता हूँ तेरे में कितना दम है। आजा पकड़ हाथ, लगा जोर। क्रांति आजा, आजा जोर लगा। फिर से आओ, तुमने मुझे 2 मौके दिए थे। शाबाश आओ। हाँ फिर से आज। क्रांची जोर लगाओ। चावल और एक बार फिर आओ आओ आओ। जोर लगाओ। हाँ लगाया। अब तो मैं पूरी तरह से जीत गया। अब तो मैं तुम्हारी बेटी का हाथ तो क्या इसे ही थाम सकता हूँ। अभी तक न मुझे दारा सिंह हरा सका है और ना ही किंग कॉन्ग। जरूर तूने कोई हेरा फेरी की होगी। हेरा फेरी? चल दिखा हाथ। मैं बोला दिखा हाथ। क्यों 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 क्यों? अरे मैं कहती हूँ दिखाओ। मेरे ही अखाड़े में मेरा ही तेल लगा के मुझे ही तेल लगाने निकला है। चल फूट यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल तो। मौसी। अरे किसर बेटा तू? अरे तू अचानक कैसे आ गया? बस आपकी याद आई तो चला। बहुत अच्छा किया। बैठ बैठ। क्या कैसे है घर में सब लोग? सब ठीक है। मेरी बहन तो अच्छी है? बिल्कुल अच्छी। बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। मुझे भी मौसी। बहू, अरे बहू। जी माँ जी। देख देख कौन आया है, तेरा देवर आया है। आई माँ जी। हाँ सुना, पिताजी तो अच्छे हैं ना? नहीं दवाई से बिल्कुल ठीक हो गई। किसना के लिए नाश्ता लेके आ जा। बैठ बेटे। शक्ति दो भगवान कि मैं अपने पद से ना हटूं। शक्ति दो। से आप जरूर ठीक हो जाएंगे। अच्छे आदमियों का हमेशा भगवान होता है। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। भैया आप आराम करिए। हाँ मैं चलता हूं। किशन बाबू पानी। गौरी तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इसमें दुख की क्या बात है? जिस औरत को अपने पति का प्यार और उसकी सेवा करने का मौका मिले उसके लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन गौरी बहुरानी, अरे ओ बहुरानी, कपड़े जरा छत के ऊपर डाल के आना। माँ जी। क्या है रे? मुझे डर है कहीं हमारे खानदान को कलंक न लग जाए। ये क्या बक रहा है? छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे किशन बाबू के लक्षण अच्छे नहीं लगते। वो हमारी बहुरानी के साथ अकेले में घुल मिलकर बातें करता रहता है। हाँ, तू जा जाके अपना काम कर। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बेटा, तू अभी तक जाग रहा है? नींद नहीं आ रही है मौसी। क्यों, कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं, तकलीफ किस बात की? आप तो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। सच? जी। बेटा, मैं भी तेरे ही बारे में सोच रही थी। अच्छा होता कि इंदु के मरने के बाद तू अपने माँ बाप के पास ही रहता। वैसे तू यहाँ आ गया तो भी ठीक ही है। मेरी बात तो आया है। मौसी, राम भैया से मिले हुए काफी दिन हो गए थे और फिर भाभी से भी मिल लिया। हाँ? तेरे गांव की ही तो है। जी। बेटा, हमारे यहाँ भाभी माँ के बराबर होती है। अच्छा, सो जा, सो जा। बेटा, मैंने तेरा ब्याह करके कोई बुरा तो नहीं किया। तुझे अपनी बहू पर विश्वास है ना? भगवान तेरा विश्वास बनाए रखे। अरे माँ जी, मैं आ ही रही थी। लाइए, मैं खिला देती। ये मेरा बेटा भी तो है, मुझे भी तो कोई अधिकार है। इन पर आपका ही अधिकार है माँ जी, और इनका अधिकार मुझ पर है। सच्चा अधिकार तो मन का मन पर ही होता है ना। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। ले, तू भी खिला। बहुरानी, बैठ। ना, ये मुझे दे दे। आज किशन दिखाई नहीं दे रहा। वो तो आज सुबह चले गए माँ जी। हाँ? चला गया बिना मुझसे मिले। अच्छा ही हुआ चले गए माँ जी। यहाँ रहकर करते भी क्या। हाँ, अच्छा ही हुआ। जा, तू राम को जाके एक गिलास दूध का दे दे। जी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चले आ तू आ गई। मुझे पता था मेरी प्यारी शांति, मेरा प्यार तुझे मेरे पास जरूर खींच के। अरे तू दुर्गा? हाँ मैं दुर्गा। अरे मैं ही मिला था एक मुर्गा। सोमू ऐसी कौन सी बात शांति में है जो मुझ में नहीं? मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। मुझे सीने से लगा, मुझे गले से लगा ले। अरे तुझे शर्म नहीं आती दुर्गा? मुझे अकेला देखकर छेड़ती है। तेरे घर में बाप और भाई नहीं? बाप और भाई तो है, लेकिन तेरी जो कमी है। अरे मर गया। मुझे गले से लगा ले। आजा दुर्गा, सोमू, दुर्गा, मेरे मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू कोई और मुर्गा ढूंढ ले। मेरी जहाँ प्यार की घंटी बजनी थी बज गई। जा, मुझे माफ कर दे। मैं आ गई। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। अरे शांति, जैसे जैसे तेरे मेरे प्यार की मुलाकातें बढ़ती जा रही हैं, प्यार का बुखार और तेज होता जा रहा है। लेकिन इसका इलाज क्या है सोमू? मेरी जान, इसका एक ही इलाज है। वो क्या? वो है शादी। मेरी माँ क्रांति कभी हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं होगी। किस गधी का नाम ले लिया? मेरे प्यार की तुमने घंटी बजा दी। वो तेरी माँ क्रांति चुड़ैल मारती क्यों है? वो डायन भूतनी अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे तोप के गोले से उड़ा दूं। मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है मैं उसका गला। मैं उल्लू के पट्टे, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि मेरी शांति का पीछा छोड़ दे, नहीं तो दुनिया से छुड़ा दूंगी, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी। हाँ। अरे तू मुझे ऊपर पहुंचाने वाली कौन होती है? मैं और मेरी प्यारी शांति एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वही प्यार जो धर्मेंद्र ने हेमा से किया, रेखा ने अमिताभ से किया। क्यों मेरी जान? बता दे अपनी माँ को। माँ, मैं अपने सोमू से सच्चा प्यार करती हूँ। इसके प्यार के लिए मैं तुम्हारा घर भी छोड़ सकती हूँ, मैं तुमसे क्रांति भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यारे सोमू को नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। मेरे सामने जवान चलाती है। हाँ चल घर चल। अबे ओ लाके मोड़े, मैं तुझे भी देख लूंगी। हाँ। अरे तू क्या देखेगी? चादर मौत। रात होने से पहले ही लौट आना, बहुत देर न होने पाए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लेकर आऊंगा। तू संभाल के गाड़ी चलाना। जी चल बेटे, शाबाश। बहुरानी मंदिर आ गया। आप आराम से बैठिए, मैं मंदिर होके आती हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं पानी पीकर झट से गया, पट से आया। मेरी पुकार सुन लो, इनको अच्छा कर दो। ये क्या किया तुमने? मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी से खेल गई। गौरी मेरी तरफ देखो, गौरी मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो गौरी, आंखें खोलो गौरी, आंखें खोलो गौरी, आंखें खोलो गौरी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो गौरी। गौरी मेरी तरफ देखो, गौरी मेरी तरफ देखो गौरी। मनोकामना पूरी हो गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गौरी मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी प्रेरणा हो गौरी। बोलने लगे मुझे एक बार वो गौरी